हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत सिंह, आपको आज नाइन्थ का एक केमिस्ट्री का टॉपिक अपने चल रहा था पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैंने थोड़े से रूल बताए थे आपको नाइन्थ क्लास के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम के बारे में बताया था। एटम क्या होता है, एटम के बारे में बताया था। एटम किससे बना होता है, एलिमेंट छोटे छोटे पार्ट से मिलकर, मतलब एटम। इसमें रूल बताया था एटम क्या होता है, बिल्कुल छोटा पार्ट होता है एलिमेंट्स का, इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग एक रूल बताया था, जैसे कुछ नियम बताए गए थे, कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम बताए थे। सबसे पहले जैसे थॉमसन मॉडल, थॉमसन के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नील्स बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सबसे पहले डॉल्टन आया था, फिर थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, ठीक है, उसके बाद नील्स बोर। इनने एटम के बारे में बताया भी, एटम क्या होता है, एटम बिल्कुल स्मॉल पार्ट होता है एलिमेंट्स का, बिल्कुल स्मॉल पार्ट, इसके आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। थॉमसन ने क्या बताया था, जो एटम होता है उसमें क्या होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को तो उसने क्या कर दिया, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को उसने बताया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसने इनकी व्यवस्था बताई, उसने क्या बताया, ये पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ऐसे, ये एक एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे सारे में फैला रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस प्रकार फिट रहते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, प्लम पुडिंग मॉडल, क्या कहते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल। ये अपने खाने वाला तरबूज होता है या लड्डू होता है, उसमें किशमिश वगैरह फिट होती है, उस प्रकार ये पूरे पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फिट होते हैं, ठीक है, ये किसने बताया था, थॉमसन। इसके बाद रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने अल्फा एलिमेंट्स, अल्फा कणों की गोल्ड फॉइल पर अपने, इसके बाद आया डाल्टन, थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या था, अल्फा कणों की बचाव किस पे कराई, एक सोने की पत्ती यानी गोल्ड फॉइल पे, अल्फा कणों को सोने की पत्ती पे टकराने के बाद उसने कुछ रिजल्ट पैदा किया। उस रिजल्ट के आधार पर उसने क्या बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस क्या होता है, उसने बताया था ये जो अल्फा कण होते हैं, ये यहाँ पे टकराने के बाद, जैसे ये कण यहाँ टकराया तो यहाँ से इस प्रकार निकल गया, ये यहाँ टकरा के ऐसे निकल गया, कुछ इस प्रकार निकल गया, यानी एंगल बना रहे थे लोग। एक एलिमेंट, एक कण क्या हुआ, बिल्कुल सेंटर में टकराने उसी एंगल पर वापस आ गया, मतलब जहाँ से टकराया था वापस उसी डिग्री पर आ गया, इस एंगल पे 180 पे गया और 180 पे वापस आया, मतलब ये देखो ये वाला यहाँ टकराने के बाद वापस इसी दिशा में वापस चला जाए, तो वहाँ से उसने क्या बताया, यहाँ पे सेंटर में कुछ है, इस सेंटर में उसने पॉजिटिव चार्ज की खोज की, उस पॉजिटिव चार्ज फाइंड किया, इसको उसने क्या बताया, न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में बताया। न्यूक्लियस के आधार पर उसने बहुत सारे, रदरफोर्ड का जो रूल हुआ था न्यूक्लियस के बारे में खोज करने के बाद, बहुत सारे अपने नील्स बोर ने उसके बाद उनकी क्लास वगैरह सेट कर दी, तो यहाँ से अपने एक मतलब कह देते हैं क्रांतिकारी युग था आ गया, इसने रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के बाद उसने तो सीधा ऐसे बता दिया भी, ये बीच सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए हैं, और ये भी बिखरे हुए बताए थे, इधर उधर घूम रहे हैं, मगर नील्स बोर ने इनकी एक विशेष व्यवस्था बता दी थी। क्या बताई थी, उसने एक क्लास सेट कर दी थी, क्या क्लास सेट की थी, जैसे उसने बता दिया था कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, मगर इसमें जो बाद जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये बड़े, इनकी विशेष क्लास है, ठीक है, इनको उसने क्या कहा, ये क्लास बना दी, ये फर्स्ट क्लास मान लो, सेकंड क्लास मान लो, ये थर्ड क्लास मान लो, इसके बाद फोर्थ क्लास मान लो, ठीक है, इनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट क्लास को के नाम दे दिया, सेकंड क्लास को एल, एम और एन, ठीक है, इसके अंदर जो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस रूल से निकलते हैं अपने, कौन सा, 2n², ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 2n² के आधार पर निकलते हैं, 2n² मतलब यहाँ पे n बराबर k में n का 1, l में n 2, m में n 3, n में n 4, ये अलग अलग आ गए, तो n की जगह क्या करो, ये k में जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें रखेंगे 2 रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें
थ्री रखेंगे 18 आएंगे, इसमें 32 आएंगे। इस प्रकार नील्स बोर ने क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की एक संख्या बता दी अपने को भी कितनी संख्या में होते हैं, भी एक क्लास में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या बता दी, भी फर्स्ट क्लास में कितने 2 बच्चे ही हैं और सेकंड क्लास में कितने 8, थर्ड क्लास में 18, फोर्थ क्लास में 32, मतलब ये डिसाइड हो गया फिक्स है ये आपसे व्हाट इज द फाइंड ऑफ द एम क्लास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपको फाइंड करना पड़ा इस फॉर्मूले के आधार पे आप बताओगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको ऐसे पूछ ले व्हाट इज द फाइंड ऑफ नील्स बोर रूल, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर रूल फाइंड द एन क्लास इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे इसमें 32, कर दो फाइंड। इस प्रकार ये चलते चलते नील्स बोर के बाद अपने आपको एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताते हैं, ठीक है। टेंथ क्लास में तो इसके आगे अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो रूल चलेंगे, पर आपके क्या होगा इसमें सिंबल चलेंगे, तो अपने को सिंबल पता होना चाहिए सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल क्या होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। एटम के बारे में बता दिया अपने, रूल बता दिया, एटम की खोज होगी, अब एटम है क्या, एटम की कौन किसका सिंबल क्या है, तो सबसे पहले अपने को सिंबल थोड़ा सा तो अपने पीछे क्लासों में पढ़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताया उसने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ऑक्सीजन क्लोरीन, नियोन, सोडियम, इस प्रकार आगे चलते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, ठीक है। सिंबल की बात करें तो अपने क्या हुआ स्टार्टिंग में जो सिंबल बताया, तो जैसे कोई एलिमेंट्स का नाम दे दिया, नेम दे दिया, नेम देने के बाद उसका जो फर्स्ट करेक्टर था ना उसके आधार पर बता दिया, जैसे हाइड्रोजन को उसने क्या बता दिया H, हीलियम को, हीलियम का जैसे HE, H ले लेते तो फिर हाइड्रोजन का जैसे ही हो जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट और फिर सेकेंड एलिमेंट हीलियम जैसे HE से स्टार्ट कर देते हैं, हीलियम को ये बता सकते हीलियम को एच ई बता दिया, सेकेंड एलिमेंट के साथ लिथियम को एल आई, ठीक है, बेरिलियम को बी ई, बोरोन को बी, ये दोनों सेम हो गए, यदि इसको बी मान ले तो इसको बी मान ले तो फिर तो सेम होता है, बेरिलियम को बी बता दिया, बोरोन को बी बता दिया सीधा, कार्बन का सी, ठीक है, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, क्लोरीन का एफ, नियोन का एन ई, क्योंकि नाइट्रोजन नियोन दोनों ही एन से स्टार्ट है तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, सोडियम, अब सोडियम वाला चक्कर पड़ गया, सोडियम को क्या लेटिन नाम से लिया, क्योंकि सोडियम से सल्फर और सोडियम दोनों को सल्फर की एलिमेंट्स की जो फाइंड किया था वो पहले हो गया था, तो सल्फर को तो एस से ले लिया मगर सोडियम को एस से नहीं लिया, सल्फर सल्फर को तो एस ले लिया 16 नंबर पे था, सोडियम था जो 11 नंबर पे था, मगर इसको क्या किया उसने एन ए, एन ए नेपच्यूम, इसका लेटिन लेटिन नेम है नेपच्यूम, एन ए, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ने लेटिन नाम से, जो लेटिन नाम है वो इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम में फाइंड करता है, एग्जाम में पूछता है, ये एक नंबर पे है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक है, इसका दो है, इसका तीन है, मैंने लगातार बताया आपको, ठीक है, मगर पहले जो बताए गए थे पहले सिंगल सिंगल वाले बताए गए, जैसे सिंगल वाला ये हो गया, ये वाला ये 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 सिंगल वाले पहले को फिर सेकंड वाले को, जैसे मैग्नीशियम को एम जी, एल्यूमिनियम को ए एल, सिलिकन को एस आई,
और एस सल्फर भी हो गया, सोडियम भी हो गया, सिलिकन भी हो गया, इनको सबको अलग अलग सिंबल दिया गया। ये सिंबल के आधार पे क्या होता है, इन एलिमेंट्स की फाइंड किया गया। इन एलिमेंट्स के आधार, जैसे अब प्रजेंट्स के अंदर अपने कितने चल रहे हैं, 118 है, ठीक है। मैं उनको जैसे एक टेबल के आधार पे अपने लेके चलेंगे, अब लैटिन नाम वाले अलग अलग चलेंगे अपने, जैसे हाइड्रोजन, ये लैटिन वाला कौन सा, सोडियम हो गया, ठीक है, एक पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, लेकिन वाला पोटेशियम को पी से नहीं दिखाते, पी से अपने नहीं दिखाते, पोटेशियम को दिखाते हैं अपने के से, क्योंकि इसका जो लेटिन नेम है वो है केलियम, ठीक है। कुछ लेटिन नाम वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है अपने, और भी आएंगे आगे, 20 तक करवा रहा हूँ मैं, एक बार 20 तक अपने चलेंगे। इसके बाद अपने आ रहा था एल्यूमिनियम, सिलिकन तक बता दिया था, उसके बाद अपने बता रहे हैं क्लोरीन, आर्गन 18 नंबर पे, और 90 पर आ गया अपने पोटेशियम आ गया, और कैल्शियम भी आ गया, ठीक है। ये सिंबल है, क्लोरीन कितना है, 17 20 नंबर तक आपको एक बार सिंबल याद होना चाहिए। अब इनका मैं आपको ये जो स्टार्टिंग में लिखा ना मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना 20 तक लिखा है, ये क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर अपने किस प्रकार काम आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे ना उसमें काम आएगा। अब मैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेता हूँ। ये तो सिंबल हो गया सिंबल, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सिंबल दिखाए थे वो सीधे दिखा दिए थे, जैसे कुछ के सिंबल इस प्रकार दिखा दिए, ऐसे भी दिखा देते हैं, हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया, ठीक है। मगर जो ये प्रेजेंट्स में चल रहे हैं वही काम आएंगे, ये वाले काम नहीं आएंगे आपको। इसके बाद अपने थोड़ी सी देख लेते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाए, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब इनकी बात कर रहे थे, ये जो आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिखा था ये अपने कैसे भरा जाएगा, आप रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे 1s एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपने, 2, पी में कितने आ सकते हैं, 6, डी में कितने आ सकते हैं, 10, एफ में कितने आ सकते हैं, 14। ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10, 14। ये इनकी क्लास होती है, जो नील्स बोर था उसने क्लास बताई थी, इसमें ए की क्लास होती है, इसमें ऑर्बिट बनते हैं, 3 बनते हैं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 3 बनेंगे तो 6 आएंगे, इसमें कितने बनेंगे अपने पास, 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने बनेंगे अपने पास, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भरे कैसे जाते हैं, एक इसकी टेबल ऐसे याद रखना आपने, 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है। इसके बाद 2p नहीं होता कभी, 1p नहीं होता, 2p होता है, 3p होता है, एक एक घटता जाएगा आगे, जैसे 3d 2d नहीं होता, 4f होता है, 3f नहीं होता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे से ऐसे बढ़ जाते हैं, आप इतने ही जानते हैं ऐसे, ठीक है। पहले इसका नंबर आएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी ये कैमरे से चलेगी,
पुलियो बार एस में कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनना है अपने, मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की मास इसकी बात कर रहा हूँ। तो एस में कितने, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन की बात कर लें अपने, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने पास है वन, ठीक है। अब एस में अपने हाइएस्ट दो भर सकते हैं, अब अपने को तो वन ही भरना है, तो वन भरेंगे तो इसमें क्या आएगा, वन एस टू नहीं भरेंगे, वन एस वन। ये इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्या हुआ ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एग्जाम में आ गया, तो फाइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे तो अपने क्या भरेंगे, वन एस वन। टू नहीं भरेंगे, टू तो हाइएस्ट भर सकते हैं अपने, मगर अपने को तो वन ही चाहिए था, वन भरते। अब लिथियम का इसके बाद, हीलियम, हीलियम में दो नंबर पे था, ठीक है। ये टेबल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे एक साइड में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इरिडियम ब्रोमोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम सिलिकन क्लोरीन, इसके बाद आर्गन, और इसके बाद आ गया अपने पास पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 है, इतनी याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। मान लो हीलियम की बात करने से, हमें हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ आपके सामने, कितना है, टू है, तो टू को कैसे भरेंगे, इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू आ सकते हैं। सबसे पहले वन एस के नंबर है, तो वन एस ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3 है, सामने लिखा हुआ आपके, 3 कैसे भरेंगे, 1s 3 ऐसे नहीं लिख सकते अपने, 1s 3, क्योंकि इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें दो कंप्लीट करो पहले, फिर इसका नंबर आएगा। बात समझ में आई क्या, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे नहीं है 1s 3 1s 4, फिर तो आगे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर ये ब्लॉक होते ही ना, SPDF ये ब्लॉक होते ही ना, पीरियोडिक टेबल होती ही नहीं। तो इसमें उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2s1, इसका आएगा 1s2 फिर 2s1, इसका नंबर आया 1s2 फिर 2s1, इसमें भी दो भर सकते हैं, फिर P का नंबर आएगा, P के 6 कंप्लीट होने के बाद इसका नंबर आएगा, ये कंप्लीट होने के बाद इसका नंबर, फिर ये कंप्लीट होगा, ऐसे चलेगा सिस्टम। तो लिथियम का कितना हो गया, 1s2 2s1। अब बात कर लेते हैं अपने बेरिलियम की, बेरिलियम का कितना है, 4, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4 है, 1s2 2s2, हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अपने बोरोन की, बोरोन का कितना है, 5 है, इसमें कितने आएंगे, 1s2 2s2, ये दोनों कंप्लीट हो गए, यहाँ 3 नहीं कर देना है, वही बात चलेगी सभी। एस में तो दो ही भरने अपने, दो यहाँ पर दे, दो अपने को 5 भरने थे, तो 5 भरने, 2 2 4 हो गए, एक और भरना है अपने को, कहाँ भरेंगे, पी में जाएंगे वहाँ, इसीलिए तो उसको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं बोरोन को। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसके बाद अपने चलेंगे कार्बन के, 6 है, कार्बन में वही बात, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, पी में दो इलेक्ट्रॉन, यानी इसका देखो ये काउंट कर लो, 2 2 कितने, 4 5 कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 कंप्लीट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का 7 है अपने पास, 1s2 2s2 ये तो कंप्लीट चल रहा है, इसका 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइएस्ट अपने कितने भर सकते हैं पी में, 6, अपने को यहाँ पे कितने चाहिए, 2 और 2 4 हो गए, 7 में से 4 गए 3, इसका मतलब यहाँ 3 भर गए, 6 तक अपने अपने पास है, 6 तक अपने भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अब इसके बाद नंबर आएगा अपने पास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में कितने हैं, 8, 8 में कितने, 1s2 2s2 2p4, सी कहानी है ना, अब तो पी में 6 होने के बाद आगे बढ़ेगा, नंबर आएगा ऑक्सीजन का, हो गया
फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p 5 फिर नियोन 1s2 2s2 2p 6 अभी मुझे 2 और 2 4 6 10। अब इसके बाद देखो आप सोडियम, सोडियम कितने हैं 11। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 10 तो है अपने पास, ये तो सेम भर दो अपने। अब इसको 7 मत कर देना क्योंकि अपने पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अपने आईएस 6 ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने 6 का 6 रखेंगे, आगे वाला कलर भर लेंगे। आगे वाला कौन सा आ गया, 3s1, 3s2 होते हैं, आईएस तो 1 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने, काउंट कर लो 11 कंप्लीट होना चाहिए अपने पास, 2 2 4 4 6 10 10 और 1 11 है ना, ऊपर वाले काउंट करते जाना आप। इसके बाद नंबर आया अपने पास मैग्नीशियम का, ये रेंज करता जाता हूँ साथ में, मैग्नीशियम का नंबर आया। मैग्नीशियम में कितने 12 है, तो 12 अपने कैसे बनेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s 1 भी 1 तो वो सोडियम का ही, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने को 2 कंप्लीटेड 12 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12। अब इसके बाद नंबर आया अपने पास एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में कितने 13 1s2 2s2 2p 6 3s3 नहीं करना, क्या नहीं करना, 3s3 नहीं करना अपने को, क्या करना है यहाँ पे 3s2 ही रखना है, मगर आगे वाले का नंबर लेना है। कौन सा नंबर आएगा आगे वाले का, कौन सा है 3s के बाद कौन सा है 3p है ना, तो 3p1 आ जाएगा। 30 कंप्लीट है, देख लो चलो 2 4 10 10 12 12 1 30। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है अपने को। एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन बनने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनने। 13 कंप्लीट है, देख लो चेक। इसके बाद नंबर आएगा अपने पास इसका सिलिकन, 14 नंबर पे है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1 तो 5 2 कर दो, कितने 6 तक कर सकते हैं, तो कर दिया सिलिकन कितने कंप्लीट करेंगे, 2 4 10 10 12 12 14 14 कंप्लीट। इसके बाद देखो अपने क्लोरीन, क्लोरीन कितना 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आएगा, क्या आएगा 3p3, क्योंकि 6 तक अपने भर सकते हैं। अब इनकी क्लास लेंथ अकॉर्डिंग बताया ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आपको क्लास कैसे होती है, क्लास बताएंगे अपने किसके अकॉर्डिंग, नील्स बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्लास में भरेंगे, एक बार सीधा आपको एक बार अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे अपने ये रेंज कर दिया अपने, इसके बाद अपने नंबर आएगा जैसे आर्गन का, क्लोरीन हो गया, आर्गन में देखो वही इसमें चलेगा, 18 होते हैं इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाना है यहाँ पे, बढ़ा दो बस 70 का ऑप्शन होता है। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम में भी कितने होते हैं 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 हो गए। इसके बाद नंबर है कैल्शियम, कैल्शियम में क्या हो जाएगा 20 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यानी ये कंप्लीट हो गया, देख लो चलो 2 2 4 10 10 12 12 6 10। ट्वेल्व आएगा, इसका 13 है, इसका 14 है, इसके बीच के अंदर एलिमेंट्स अपने रह गए कौन कौन से, फास्फोरस ये 17 नंबर पे, 18 पे, ये 19 पे, और ये
70 इसके अंदर मान लो 50 नंबर टैग है अपने पास है पेपर में 50 नंबर के सीटी के बाद फास्ट मैच टी का नंबर ठीक है और उसके बाद अपने पास आएगा सल्फर का नंबर ठीक है दो एलिमेंट्स बीच में रहेंगे कौन सा फास्फोरस और सल्फर करेगा फास्फोरस एक सल्फर फिर आएगा फ्लोरीन फिर अपने पास 70 आ गए फिर आता है अपने पास 18 आर्गन फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम का आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा ये बीच में छूट गया 16 फिर 17 फिर 18 19 ठीक है अपने पास एल्यूमिनियम के बाद कौन इसका नंबर आता है अपने पास यहाँ पे आता है सिलिकन इसके बाद आता है यहाँ पे फास्फोरस फास्फोरस के कितने हैं 15 15 है एल्यूमिनियम सिलिकन इसके बाद फास्फोरस यहाँ पे आएगा अपने पास से इसमें कौन सा रहता था सल्फर 16 ठीक है ये वाला ठीक है अब बिल्कुल सही हो जाएगा शुरू में तो स्टार्टिंग बीच में दो एलिमेंट छूट गए थे कौन कौन सा फास्फोरस और सल्फर अब ये हो गया सल्फर तक हो गया अब क्लोरीन देख पाओ क्लोरीन कैसे बन जाएगा क्लोरीन में बनेंगे 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 0 2 10 इसके बाद अपना नंबर आता है पोटेशियम में आर्गन का आर्गन में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसके बाद अपना पोटेशियम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अपने पास 19 तो अपने पास नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा 4s का नंबर आ जाएगा इसके बाद ठीक है कैल्शियम का आएगा लास्ट में 20 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इस प्रकार अपने क्या होगा 20 एलिमेंट्स के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है ये आपके समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं अपने आगे जैसे सिंबल के आधार पे नील्स बोर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना उनमें मैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरूंगा फिर वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आए तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टार्टिंग है ये अपने बार बार भरेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप वो रूल करेंगे उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा अपने को ठीक है थैंक यू।